मुंबई के मलाड इलाके में एमएमआरडीए ग्राउंड पे अभी मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि COVID-19 जंबो कोविड सेंटर यहाँ पे बनने की पूरी तैयारी हो रही है। इसे बनने में और एक महीना जाएगा। आज पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जी यहाँ पे आए थे और उन्हीं के साथ गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख भी यहाँ पे आए थे। इस जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे उसका दौरा करने आए थे कि कहाँ तक इसका काम पहुँचा है। हम आपको बता दें कि इस जंबो कोविड सेंटर में, जो कि तीसरा सबसे बड़ा जंबो कोविड सेंटर होगा हमारे मुंबई का, उसमें 2140 बेड्स की सुविधा होने वाली है। वहीं आईसीयू के जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स के जो रूम्स होंगे, बेड्स होंगे, वो भी 1500 से ज़्यादा होने वाले हैं। जैसे कि थर्ड वेव आने वाली है तो इसके चलते इस जंबो कोविड सेंटर में पीडियाट्रिक वार्ड भी होने वाला है। 30 से 50 बेड्स उन बच्चों के लिए रखा जाएगा जो थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से ICU में 30-50 बेड्स बच्चों के लिए भी होने वाला है और जो माँ बाप उन बच्चों के साथ होंगे उनके लिए भी अलग से सुविधा यहाँ पे की जाने वाली है, जो कि कहा जा रहा है कि जून के अंत तक ये जो ग्राउंड है, वो सेंटर है, वो ठीक हो सकता है। MMRDA ने जो तैयारी की है वो बहुत ही उमदा है। आपको पता होगा कि जो BKC में भी अपना सेंटर बना था वो रिकॉर्ड टाइम में बना था। शायद इस देश का पहला जम्बो सेंटर, आउटडोर जम्बो सेंटर BKC में बना था। पिछले वक्त ही मंत्री महोदय असलम शेख साहब ने भी यही जगह बताई थी कि ये एक अच्छी जगह रहेगी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज़ जो थर्ड वेव है उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, अप्रैल से शुरू कर दी है, जबकि सेकंड वेव चल रही थी। हमारा यही मानना है कि हमारा पहला जो कर्तव्य है वो हर एक नागरिक को सुरक्षित रखना है और उसी पे हम फोकस करके आगे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है आदित्य जी, जो फॉरेन में स्टूडेंट्स और बच्चे जा रहे हैं उनके वैक्सीनेशन को लेकर काफी वरी। मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे जैसे जाहिर करते जाएगी वैसे हम आगे लेके जाएंगे। ये सब पॉलिसी डिसीजन है। पहले तो यही है कि वैक्सीन हाथ में आए तो हम हर एक को अगले 60 दिनों में मुंबई पुणे वगैरह जैसे शहर है कर सकते हैं वैक्सीन। ट्वेल्थ हो या टेंथ हो, जो मंत्री महोदय है वर्षाताई गायकोट, वो CM साहब, DCM साहब, ये सारे साथ में बैठकर निर्णय लेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हर एक की सुरक्षा ये अपना पहला प्रायोरिटी हो, पहली अपनी पहली प्रायोरिटी और वही एक मार्कर। ABP News, आपको रखे आगे।